उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कैसरबाग सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोक भवन पहुंचे आक्रोशित समीक्षा अधिकारी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, समीक्षा अधिकारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसरबाग सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं लोक भवन पहुंचे आक्रोशित समीक्षा अधिकारी। पुलिस उत्पीड़न को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, राजधानी लखनऊ से इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी तादाद में समीक्षा अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कैसरबाग सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। रजनीश, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? समीक्षा अधिकारियों का बड़ा प्रदर्शन इस वक्त जारी है। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस समय प्रदर्शन हो रहा है उस समय खुद मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद है और कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन हो रहा है और मामला है कि जो श्रम विभाग में कार्यरत समीक्षा अधिकारी थे उनका जैसे का आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जो अपनी बात कहने के लिए थाने पर गए, अपना परिचय दिए, तो कैसरबाग के जो सीईओ हैं वो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया। इससे संगठन को लेकर संगठन में बड़ा आक्रोश है और लोक भवन में अभी भी उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। रजनीश, कैबिनेट की बैठक का जिक्र कर रहे हैं कि आप चल रही है, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में समीक्षा अधिकारी प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या किसी तरह का आश्वासन अब तक इन तमाम लोगों को दिया गया है या अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए अड़े हुए? देखिए, चूंकि उनका मांग है बर्खास्त करने का और ये गृह विभाग से होता है और गृह विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो छुट्टी पे गए हैं। हालांकि उनका जो चार्ज है अवनीश अवस्थी के पास है, तो अवनीश अवस्थी के तरफ से वार्ता के लिए बुलाया गया है, वार्ता चल रही है, लेकिन इनकी जो डिमांड है बर्खास्त करने की, तो एक राजपत्रित अधिकारी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया होती है, तो हो सकता है कि सरकार अभी कुछ इनको आश्वासन दे दे, क्योंकि जो मामला है नीचे सैकड़ों की तादाद में समीक्षा अधिकारी जुटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, सेम सेम के नारे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो पंचम तल पे इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री को जेड प्लस की सुरक्षा भी मिली है, तो सुरक्षा कारण से भी एक चुनौती बना हुआ है। तो सरकार का पहल रहेगा कि जल्दी से जल्दी इनको जो आश्वासन की गुत्थी पिला के यहाँ से प्रदर्शन खत्म कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रजीश तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा अधिकारियों का बड़ा प्रदर्शन जारी है, लखनऊ की खबर है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर समीक्षा अधिकारी डटे हुए हैं, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अभी किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है, प्रदर्शन लगातार जारी है। तो लोग भवन पहुंचे हैं आक्रोशित समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रही है। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, एक तरफ कैबिनेट की बैठक भी जारी है, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में कैसरबाग सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी। लोग भवन पहुंचे हैं बड़ी तादाद में और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल अभी तक उनकी कोई मांगों पर फिलहाल किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन इस बीच नेशनल वॉइस एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर समीक्षा अधिकारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। योगी सरकार